हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट कोचिंग। एमए का दूसरा कोर्स स्टार्ट करेंगे आज, जिसका नाम है MPC 001 और पूरा नाम है इसका कॉग्निटिव साइकोलॉजी लर्निंग एंड मेमोरी, जिसका ब्लॉक वन का यूनिट वन स्टार्ट किया आज मैंने। और यूनिट वन का नाम है कॉग्निटिव साइकोलॉजी। तो कॉग्निटिव साइकोलॉजी के अंदर हमने कॉग्निटिव प्रोसेसेस के बारे में पढ़ना है। इसका इंडेक्स देख लेते हैं एक बारी, क्या क्या दिया हुआ है इंडेक्स में। तो पहले तो है इंट्रोडक्शन ऑब्जेक्टिव्स, उसके बाद कॉग्निटिव साइकोलॉजी की इंट्रोडक्शन है, रिसर्च मेथड इसमें किस तरह के यूज़ होते हैं जब भी हम कॉग्निटिव साइकोलॉजी पढ़ते हैं, उनके क्या गोल्स हैं और क्या डिस्टिंक्टिव रिसर्च मेथड्स हैं। उसके बाद डोमेन्स आ जाएंगे, फिर उसकी ब्रीफ हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे कि पहले इस थिंकिंग क्या होती थी इसके बारे में, और कॉग्निशन का पुराने अर्ली हिस्ट्री में क्या चीज़ थी, कॉग्निशन का क्या मतलब जानते थे लोग, और धीरे धीरे वो कॉग्निटिव साइकोलॉजी का मीनिंग कैसे चेंज होता गया। फिर इसमें कुछ इश्यूज हैं जिसके बारे में बात करेंगे, एंड देन की आइडियाज़ में हम आ जाएंगे कंप्यूटर मेटाफर कि कैसे हमारे कॉग्निशन को कंप्यूटर के साथ कंपेयर किया गया है, और फिर न्यूरो साइंस के बारे में भी बात होगी। तो शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से। तो कॉग्निटिव साइकोलॉजी जो है वो एक स्टडी है मेंटल प्रोसेसेस की, और मेंटल प्रोसेसेस कौन से, जो भी हमारे ब्रेन में जितने भी मेंटल प्रोसेसेस चलते हैं, जैसे कि परसेप्शन हो गया, रिमेम्बरिंग हो गया, याद करना, रीजनिंग करना किसी चीज़ की, ये सारे मेंटल प्रोसेसेस हैं। इसके अंदर थिंकिंग, लर्निंग और भी बहुत सारे आ जाते हैं, डिसीजन मेकिंग भी एक मेंटल प्रोसेस है, और उसके अलावा थिंकिंग भी आपका एक मेंटल प्रोसेस है जो इसमें आ जाता है कॉग्निटिव साइकोलॉजी में। प्रॉब्लम सॉल्विंग भी कॉग्निटिव साइकोलॉजी में ही आता है। तो ये सारे प्रोसेसेस हैं जो हम इसमें पढ़ेंगे। सिंस द बिगनिंग ऑफ रिकॉर्डेड हिस्ट्री, पीपल हैव एक्सप्रेस क्यूरियोसिटी अबाउट ऑपरेशन ऑफ द माइंड, लार्जली बिकॉज दे बिलीव दैट बिहेवियर इज अ रिजल्ट ऑफ मेंटल प्रोसेसेस। कॉग्निटिव साइकोलॉजी में मेंटल प्रोसेसेस के ऊपर ही ज़्यादा फोकस है। तो इसको पढ़ना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि ज़्यादातर लोग ये मानते हैं कि जो भी हमारा बिहेवियर है वो मेंटल प्रोसेसेस की वजह से होता है। जो भी हमारे मेंटल प्रोसेसेस हैं, चाहे वो प्रॉब्लम सॉल्विंग हो, डिसीजन मेकिंग हो, चाहे परसीविंग हो, रिमेम्बरिंग हो, रीजनिंग हो, वही रीज़न है हमारे बिहेवियर का। और प्लस हमारे जो माइंड है वो किस तरीके से काम करता है, कैसे इंफॉर्मेशन प्रोसेस करता है, कैसे स्टोर करता है, वो सारी चीज़ें भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है समझनी। तो ये बेसिकली पॉइंट है कि हम कॉग्निटिव साइकोलॉजी क्यों पढ़ते हैं। एंड देन इनिशियली गोल्स एंड प्लान्स आर मेंटल फिनोमिना दैट अफेक्ट दस इन दिस केस रीडिंग इज अंडरस्टूड बाय अपील टू स्पेसिफिक मेंटल प्रोसेसेस इन्वॉल्व्ड इन परसेप्शन। तो अब आगे देखते हैं कि स्पेसिफिकली इन्होंने क्या इसमें वो करा हुआ है। तो पहले हमारे ऑब्जेक्टिव्स ये होंगे कि हमें फील्ड ऑफ कॉग्निटिव साइकोलॉजी को समझना है, फिर उसके बाद प्रोवाइड अ फाउंडेशन ऑन विच टू बिल्ड एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक्स, डिस्क्राइब सम इंटेलेक्चुअल हिस्ट्री एंड देन एम्फेसिस ऑफ सम इश्यूज एंड कंसर्न्स। तो ये था अब हमारे ऑब्जेक्टिव्स। अब आता है कॉग्निटिव साइकोलॉजी की इंट्रोडक्शन। कॉग्निटिव साइकोलॉजी का मतलब है ये ऐसी ब्रांच है साइकोलॉजी की जो क्या स्टडी करती है कि लोग किस तरीके से परसीव करते हैं, लर्न करते हैं, रिमेम्बर करते हैं, सोचते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। कैसे जो भी कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट है वो ये स्टडी करते हैं कि लोग परसीव मतलब क्या है, कि जो चीज़ें हम देखते हैं उनको कैसे हम समझते हैं। जैसे इसमें शेप्स आ जाती हैं, शेप्स को हम कैसे समझते हैं, फैक्ट्स को हम कैसे याद करते हैं, और कुछ चीज़ें हम भूल क्यों जाते हैं, और हम लैंग्वेज किस तरीके से सीखते हैं, ये सारे कॉग्निटिव साइकोलॉजी के अंदर आ जाता है। हाउ मेनी टाइम्स हैव यू केयरफुली प्रूफ रीड द रिटर्न वर्क। अब ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं कि जैसे आप कोई रिटर्न वर्क पढ़ रहे हो, जैसे आप समझ लो यही पढ़ रहे हो, तो आप इसको कितनी बारी प्रूफ रीड करते हो, मतलब कितनी बारी आप उसको पढ़ते हो बार बार उसकी मिस्टेक्स ढूंढने के लिए। और कभी कभी आपको ये समझ में आता है कि आपने उसमें बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स कर दी हैं जो आपने पहले नहीं देखी थी। तो ये सारी चीज़ें हमारे कॉग्निटिव प्रोसेसेस या मेंटल प्रोसेसेस में होती हैं। और
कई बार ऐसा भी होता है कि आप क्लास में नोट्स लेते लेते क्या होता है कि उनको समझ नहीं पाते हो, आपका जो लिखने वाली चीज़ है, राइटिंग वाला जो आपका पार्ट है वो उसके साथ साथ काम नहीं करता है, अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ काम नहीं करता है। तो ऐसा क्यों होता है कि दो मेंटल प्रोसेसेस एक साथ साइमल्टेनियसली क्यों नहीं चल पाते हैं? ये सारे क्वेश्चंस हमें कॉग्निटिव साइकोलॉजी में इनके आंसर्स मिलते हैं। फिर है कि एक और इन्होंने जैसे एग्जांपल दिया हुआ है कि जब आप कोई टेलीफोन डायरेक्टरी में से फ़ोन नंबर उठाते हो मिलाने के लिए और आपके पास पेन नहीं है उसको नोट करने के लिए, तो आप उसको बार बार रिपीट करते हो ताकि आप उसको भूल ना जाओ। और ऐसा क्यों होता है कि जैसे ही आपकी कॉल ख़त्म होती है आप वो नंबर भूल जाते हो? तो ये सारी चीज़ें कॉग्निटिव साइकोलॉजी के फोकस में आती हैं कि ये सारे मेंटल प्रोसेसेस हमारे माइंड में कैसे काम करते हैं। अब जैसे सबसे पहले इन्होंने यहाँ पे बात करी है शॉर्ट टर्म मेमोरी की, जिसके बारे में हम पहले भी बहुत बार पढ़ चुके हैं कि एक शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है जिसमें बहुत कम चीज़ें बहुत थोड़े टाइम के लिए स्टोर रहती हैं, तो वो मेमोरी का जो फंक्शन है वो भी एक कॉग्निटिव फंक्शन है। डू यू रिमेम्बर एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग ऑन अ प्रॉब्लम और अ पजल दैट यू वर अनेबल टू सॉल्व? ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इन्होंने बताई है और ये हमारे साथ बहुत बार होता है कि कई बार हम काफ़ी देर तक एक प्रॉब्लम को लेके बैठे रहते हैं और उसका हमें सॉल्यूशन नहीं मिलता और हम उसको छोड़ देते हैं, और जब हम अगले दिन उठते हैं तो सडनली हमें उसका आंसर मिल जाता है। तो वो हमने जो थोड़ी देर के लिए उसको छोड़ दिया क्योंकि हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो हम एक थोड़ी सी ब्रेक ले लेते हैं बीच में, तो वो जो हमने ब्रेक लेते हैं उसको हम बोलते हैं इनक्यूबेशन इफेक्ट। उससे क्या होता है, थोड़ी देर ब्रेक लेने के बाद हम दोबारा जब उस प्रॉब्लम के ऊपर आते हैं तो हमें उसका आंसर मिल जाता है, और ये प्रॉब्लम सॉल्विंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है इनक्यूबेशन। सो अगेन, जैसे व्हाई डू ऑब्जेक्ट्स लुक फार्दर अवे ऑन फॉगी डेज, अभी परसेप्शन की यहाँ पे बात कर रहे हैं। परसेप्शन में जैसे जो फॉगी डेज होते हैं जब बहुत धुंध होती है तो क्यों हमें चीज़ें जो हैं वो दूर नज़र आती हैं धुएं में, और जब एकदम क्लियर होता है तो हमें बहुत पास क्यों नज़र आती हैं? आपने परसेप्शन में पढ़ा होगा कि इसको हम एरियल पर्सपेक्टिव भी बोलते हैं। तो ये कुछ ऐसे एग्जांपल हैं जो उन्होंने एवरीडे एक्सपीरियंस में से दिए हैं। ये सारे ही चीज़ें हम किस में पढ़ते हैं? कॉग्निटिव साइकोलॉजी में पढ़ते हैं। फिर दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं इसमें, टू पॉइंट्स अबाउट दीज एग्जाम्पल शुड बी कंसिडर्ड। पहला पॉइंट ये है कि जितने भी हमने ऊपर एग्जाम्पल डिस्कस किए हैं ऑल रिप्रेजेंट इंस्टेंसेस ऑफ डिफिकल्टी और फेलियर ऑफ मेंटल प्रोसेसेस। तो जितने भी ऊपर एग्जाम्पल डिस्कस किए हमने, जैसे चीज़ों को भूल जाना या प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाना, वो जो सारे एग्जाम्पल्स हैं वो अपने हमारे कॉग्निटिव प्रोसेस की डिफिकल्टी या फेलियर को पॉइंट आउट कर रहे हैं। मतलब कि हम उनके बारे में तभी सोचते हैं जब हम किसी चीज़ में फेल होना शुरू करते हैं, अदरवाइज हम नॉर्मली काम करते रहते हैं और इतना उसके बारे में सोचते नहीं हैं। फेलियर ऑफ मेंटल प्रोसेसेस आर इमीडिएटली नोटिस बिकॉज दे कैन बी फ्रस्ट्रेटिंग, एम्बेरसिंग एंड समटाइम डेंजरस। तो जब भी हमारे मेंटल प्रोसेस फेल होते हैं तो हम उसको इमीडिएटली क्यों नोट करते हैं? क्योंकि वो हमारे लिए फ्रस्ट्रेटिंग भी हो सकते हैं, एम्बेरसिंग भी और डेंजरस भी हो सकते हैं। तो यही फेलियर्स हैं जो एक साइकोलॉजिस्ट के लिए स्टडी करने का एक एरिया बन जाता है। साइकोलॉजिस्ट इसी चीज़ में इंटरेस्टेड होता है कि कैसे हमारे मेंटल प्रोसेसेस फेल हो जाते हैं कहीं कहीं पे। फिर कॉग्निटिव साइकोलॉजी इज ऑल्सो इंटरेस्टेड इन व्हाट इज जनरली कॉल्ड एज मेंटल फिनोमिना। मेंटल फिनोमिना जैसे द एग्जाम्पल्स जस्ट डिस्कस्ड आर कंसिस्टेंट विद डिक्शनरी डेफिनेशन ऑफ कॉग्निटिव साइकोलॉजी द साइंटिफिक स्टडी ऑफ माइंड। तो अगर हम मेंटल फिनोमिना की बात करें तो कॉग्निटिव साइकोलॉजी क्या चीज़ पे फोकस करती है? एक माइंड की साइंटिफिक स्टडी कैसे करनी होती है। सो वाइल इट इज होप दैट एग्जाम्पल्स क्लैरिफाई द डेफिनेशन, आपको जितने भी ऊपर इन्होंने एग्जाम्पल दिए हैं वो इस वजह से दिए हैं ताकि आपको सिर्फ एक डेफिनेशन ना उसकी याद हो, आपको ये समझ में आ जाए कि हम डेली लाइफ में, रियल लाइफ में कैसे हम अपने कॉग्निटिव प्रोसेसेस को यूज़ करते हैं और किन कॉग्निटिव प्रोसेसेस को ये आगे पढ़ने वाले हैं। फिर नेक्स्ट टॉपिक इसमें आता है रिसर्च मैथड इन कॉग्निटिव साइकोलॉजी। रिसर्च मेथड का मतलब है ये किस तरीके से कॉग्निटिव साइकोलॉजी में रिसर्च करते हैं। तो पहले तो इनके गोल्स पढ़ लेते हैं कि इनके गोल्स क्या होते हैं इसमें। वन मस्ट ग्रास्प द गोल्स ऑफ रिसर्च साइकोलॉजी, दीज दोज गोल्स इंक्लूड। अब क्या क्या गोल्स हैं इसमें? जैसे पहला गोल है डेटा गैदरिंग,
सबसे पहले इनको डेटा गैदर करना है। डेटा गैदर का मतलब है कि डेटा इकट्ठा करना, फिर उसको एनालाइज करना, ये दूसरा गोल है उसको एनालाइज करना। फिर उसको एनालाइज करने के बाद उसके ऊपर थ्योरी बनाना, और थ्योरी के बाद उसके बाद हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करना, और वो जो हाइपोथेसिस है उसको टेस्ट करना कि वो सही है या नहीं है। एंड परहैप्स इवन एप्लीकेशन टू सेटिंग्स आउटसाइड द रिसर्च एनवायरनमेंट। तो कैसे होता है ये, पहले डेटा कलेक्ट किया जाता है, फिर उसको एनालाइज किया जाता है। थ्योरी डेवलपमेंट तो एक्चुअली तब होती है जब हमारा हाइपोथेसिस करेक्ट हो जाता है तब। तो हाइपोथेसिस होता है क्या है, हमने पहले पढ़ा हुआ है कि एक टेंटेटिव स्टेटमेंट होती है हाइपोथेसिस। टेंटेटिव स्टेटमेंट मतलब हम सिर्फ एक गेस वर्क करते हैं कि किस तरीके से जो भी हमारी प्रॉब्लम है, जो भी हमारा रिसर्च वो है मेथड है, या जिस पे भी हम रिसर्च कर रहे हैं, हमारी स्टडी है, उसके क्या सॉल्यूशन हो सकता है, एक हम गैस वर्क करते हैं जिसको टेंटेटिव स्टेटमेंट या हाइपोथेसिस बोलते हैं। तो वो हाइपोथेसिस पहले हम बनाते हैं, फिर उसको टेस्ट करते हैं अपने डेटा के बेस पे, और डेटा को एनालाइज करते हैं। और जब वो हमारा हाइपोथेसिस कंफर्म हो जाता है, कंक्लूड हो जाता है, तो हम उसके बेस पे थ्योरी बनाते हैं। अगर हाइपोथेसिस गलत होता है तो हम दोबारा से रिसर्च करते हैं। तो कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट क्या समझना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें करके हमारे कॉग्निशन प्रोसेस को समझना चाहते हैं। प्लस दे वांट टू अंडरस्टैंड कि हाउ एंड व्हाई ऑफ थिंकिंग। तो यहाँ पे थिंकिंग के ऊपर फोकस बहुत ज़्यादा है कि क्यों और कैसे हमारी थिंकिंग वाला प्रोसेस काम करता है। मतलब जो हमारे मेंटल प्रोसेसेस हैं इतने सारे, उसमें थिंकिंग वाला पार्ट जो है वो किस तरीके से काम करता है। अब इसमें कौन कौन से डिस्टिंक्टिव रिसर्च मेथड्स हैं, तो पहला तो है लेबोरेटरी वाला, जिसको हम कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं, जैसे कि लैब में जो होता है। और दूसरा हो गया साइकोबायोलॉजिकल रिसर्च। तीसरा सेल्फ रिपोर्ट है। सेल्फ रिपोर्ट का मतलब है जब हम लोगों से पूछते हैं उनके बारे में, जैसे सेल्फ रिपोर्ट में आप इंटरव्यू लेते हो किसी से, तो आप इंटरव्यू में उससे पूछते हो कुछ चीज़ें, या फिर आप क्वेश्चनेयर भरवाते हो, क्वेश्चनेयर में क्वेश्चंस होते हैं, आप उसको भरवा के उनसे पूछते हो, तो ये सेल्फ रिपोर्ट में आ जाएगा। फिर केस स्टडीज होती हैं, जब आप किसी की इन डेप्थ स्टडी करते हो किसी के बारे में। नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन मतलब आप ऑब्जर्व कर रहे हो किसी को उसके नेचुरल एनवायरनमेंट में। कंप्यूटर सिमुलेशन मतलब आपने आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट क्रिएट किया हुआ है और वहाँ पे आप उसको टेस्ट कर रहे हो। जैसे आप आर्टिफिशियली किसी को वर्चुअल, जैसे आपने वर्चुअल गेम्स आजकल देखी है, वो कंप्यूटर सिमुलेशन एनवायरनमेंट होता है। अगर आप किसी के बिहेवियर ये स्टडी करना चाहते हो कि किस तरीके से वो उसमें ड्राइव कैसे कर रहा है वर्चुअली, तो आप उसको करवा सकते हो कंप्यूटर सिमुलेशन में। तो पहला जो इसमें है वो है एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, एक्सपेरिमेंट कंट्रोल एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन है। कंट्रोल का मतलब क्या है कि एक्सपेरिमेंट एक लैब में होता है जहाँ पे कंडीशंस एक्सपेरिमेंटर के हाथ में होती है। उसने वो सारी लैब की जितनी भी सेटिंग्स है जहाँ पे वो एक्सपेरिमेंट कर रहा है, उसके हाथ में सारी चीज़ें होती हैं, वो मैनिपुलेट कर सकता है जो चाहे, सारी कंडीशंस कंट्रोल्ड होती हैं। प्लस इसमें दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और दूसरा डिपेंडेंट वेरिएबल है। अगर ये समझ में नहीं आया तो आगे कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो एक चीज़ और है जिसको इन्होंने बोला हुआ है कंट्रोल वेरिएबल्स। कंट्रोल वेरिएबल का दूसरा नाम एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स भी होता है, या फिर हम इनको कभी कभी कॉन्फाउंडिंग वेरिएबल भी कहते हैं। एक्सट्रेनियस या कॉन्फाउंडिंग मतलब ये वो वाले वेरिएबल हैं जिनकी हमें ज़रूरत नहीं होती है, इररेलेवेंट है ये हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। तो अब इसमें ये मैं अभी बताती हूँ आपको होता क्या है इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। जैसे सपोज आपने किसी एक चीज़ का इफेक्ट देखना है, एक मिनट मैं इसको यहाँ पे, आपने किसी एक चीज़ का इफेक्ट देखना है दूसरी चीज़ पे। मतलब एक्स एक चीज़ है, सपोज टेम्परेचर है, टेम्परेचर के बढ़ने का इफेक्ट आपने देखना है परफॉर्मेंस पे किसी की, कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसकी परफॉर्मेंस में क्या चेंज आएगा। तो जो टेम्परेचर है जिसको आप कभी बढ़ा के देखोगे कभी कम करके देखोगे, मतलब आप टेम्परेचर को खुद कंट्रोल कर रहे हो, तो ये तो हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि इसको आप कंट्रोल कर रहे हो।
और जिसके ऊपर आप इसका इफेक्ट देख रहे हो, परफॉर्मेंस, किसी की परफॉर्मेंस, जैसे समझ लो आप किसी जैसे जिम में जो लोग वो कर रहे हैं, जिमिंग कर रहे हैं, आप ये देखना चाहते हो कि अगर जिम में टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए, मतलब एसी बंद कर दिया जाए, टेम्परेचर बढ़ जाए, तो उनकी परफॉर्मेंस में क्या फ़र्क आएगा। तो टेम्परेचर आप बढ़ा रहे हो, कम कर रहे हो, तो जो चीज़ आप मैनिपुलेट कर रहे हो वो तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, और जिस चीज़ के ऊपर आप उसका असर देख रहे हो कि उसमें क्या चेंजेस होते हैं, वो होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। तो कहने का मतलब ये है कि जो चीज़ हमारे हाथ में है, जिसको एक्सपेरिमेंटर मैनिपुलेट कर सकता है, वो हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और जिसके ऊपर मैनिपुलेशन का असर देखा जाता है वो हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल। ये बेसिकली एक्सपेरिमेंटेशन का मेन पर्पस ही यही होता है कि हम ये देख पाए कि एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल पे क्या असर होता है। इसको हम एक और चीज़ बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल मेथड में, हम निकालते हैं कॉजल रिलेशनशिप निकालते हैं, या कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप निकालते हैं। इसको ऐसे भी बोला जाता है, कॉज एंड इफेक्ट। कैसे? क्योंकि कॉज क्या हो गया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कॉज हो गया, और उसका इफेक्ट किस पे पड़ रहा है, डिपेंडेंट वेरिएबल पे पड़ रहा है। तो किसी चीज़ की वजह से दूसरी चीज़ पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, उसको हम कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन बोलते हैं, जो हम एक्सपेरिमेंटल मेथड में करते हैं, और उसी में हम यूज़ करते हैं इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल। और जो तीसरे की बात कर रहे हैं, ये कंट्रोल वेरिएबल की है, एक्सट्रेनियस की बात कर रहे हैं, जो वो दूसरे वेरिएबल्स होते हैं जो हमें अपने एक्सपेरिमेंट में चाहिए नहीं होते, पर वो कभी कभी कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब जैसे मैं अपने जिम वाले एग्जाम्पल दोबारा ले रही हूँ, जिम वाले एग्जाम्पल में ही जैसे मुझे देखना था कि टेम्परेचर का इफेक्ट जो है, वो जो जिमिंग कर रहे हैं लोग, उनके ऊपर क्या पड़ता है। और सपोज वहाँ पे म्यूजिक चल रहा है, तो उससे भी उनकी परफॉर्मेंस में कुछ असर पड़ेगा जो मुझे नहीं चाहिए। तो वो जो म्यूजिक वाला पार्ट है जो मुझे नहीं चाहिए, वो हो गया एक्सट्रेनियस वेरिएबल, यानी कि वो कंट्रोल वेरिएबल है जो मुझे कंट्रोल करना है, तो मुझे वो हटाना है वहाँ से, मुझे उसको बंद करना पड़ेगा, तभी मेरी स्टडी जो है वो दो इन वेरिएबल्स के ऊपर हो पाएगी। मुझे कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं चाहिए वहाँ पे, तो ये कंट्रोल वेरिएबल हो गया, या फिर इसको एक्स्ट्रा है ना, तो एक्स्ट्रा से याद हो जाएगा एक्सट्रेनियस। एक्सट्रेनियस वेरिएबल नहीं चाहिए, कंफाउंडिंग वेरिएबल नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ दो वेरिएबल चाहिए। एक हो गया मेरा टेम्परेचर जिसको मैं मैनिपुलेट करूंगी, और एक हो गया जिमिंग जो कर रहे हैं उन लोगों की परफॉर्मेंस। तो ये होता है एक्सपेरिमेंटल मेथड में। और इसमें जो पार्टिसिपेंट्स हम चूज करते हैं वो रैंडमली चूज किए जाते हैं। रैंडमली मतलब आप रैंडमली मतलब ऐसे आपने रैंडमली उठा लिया लोगों को, सैंपल, उसको सैंपल बोलते हैं, कि आपने ऐसे ही रैंडमली कुछ लोगों को वहाँ पे चूज कर लिया अपने एक्सपेरिमेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए, तो उसको रैंडम सैंपल बोला जाता है। और पर रैंडम का ये मतलब होता है कि आप जानबूझ के सेलेक्ट नहीं कर रहे हो ऐसे लोग जिसकी वजह से आपका रिजल्ट अच्छा है, आप रैंडमली किसी को भी उठा रहे हो। तो इससे क्या होता है कि जो एक्सपेरिमेंटर होता है वो प्रोबेबल कॉजैलिटी मतलब वही कॉज हो गया, एक्सपेरिमेंटर कॉज बता पाता है कि अगर यहाँ पे सपोज ये इस एक्सपेरिमेंट में पार्टिसिपेंट्स की परफॉर्मेंस अगर धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ रहा है, उनको गर्मी लग रही है, तो धीरे धीरे उनकी परफॉर्मेंस डाउन होती जा रही है, फिर जब टेम्परेचर वो कम करते हैं, एसी ऑन कर देंगे, तो धीरे धीरे फिर वापस हो जाएगी नॉर्मल उनकी परफॉर्मेंस। तो अगर टेम्परेचर की वजह से उनकी परफॉर्मेंस में असर दिख रहा है, तो मतलब वहाँ पे कोई एक्सपेरिमेंटर होगा तो वो कहेगा कि मैं ये कंक्लूड कर सकता हूँ कि टेम्परेचर से जिमिंग करने वाले लोगों की परफॉर्मेंस में फर्क पड़ता है। तो टेम्परेचर इज द कॉज ऑफ पुअर परफॉर्मेंस ऑफ द पीपल इन द जिम, ऐसे वो कॉज निकाल सकते हैं एक्सपेरिमेंटर के थ्रू। दिस इन्फ्लुएंस ऑफ इफेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑन द डिपेंडेंट वेरिएबल ऑन द पॉपुलेशन। तो ऐसे इसलिए यहाँ पे ये दो वेरिएबल होने बहुत ज़रूरी है, एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट। तो अब नेक्स्ट उसमें चलते हैं, साइकोबायोलॉजिकल रिसर्च। साइकोबायोलॉजिकल रिसर्च में क्या लिखा हुआ है, इन्वेस्टिगेटर स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन कॉग्निटिव परफॉर्मेंस एंड सेरिब्रल इवेंट्स। सेरिब्रल का मतलब ये आपके ब्रेन की पार्ट्स की बात कर रहा है, तो जो आपकी कॉग्निटिव परफॉर्मेंस है उससे आपके ब्रेन के फंक्शनिंग में क्या फर्क आता है,
ये हम पढ़ते हैं साइकोबायोलॉजिकल। नाम से आपको पता चल रहा है साइको मतलब ये कॉग्निटिव फंक्शन की बात हो गई, बायोलॉजिकल मतलब ब्रेन के पार्ट्स की बात हो रही है। द वेरियस स्पेसिफिक टेक्निक यूज्ड इन साइकोबायोलॉजिकल रिसर्च फॉल इन थ्री कैटेगरीज। फर्स्ट कैटेगरी इज दैट ऑफ टेक्निक यूज फॉर स्टडिंग एन इंडिविजुअल्स ब्रेन। अब किसी का ब्रेन खोल के पढ़ना है तो उसके जिंदा रहते हुए तो नहीं पढ़ सकते, तो पोस्टमार्टम में उसके डेथ के बाद उनके ब्रेन पढ़े जाते हैं। तो एक तो ये हो गया, ये देखने के लिए कि मरने से पहले प्रायर टू डेथ क्या उनके माइंड में, मतलब माइंड नहीं कहेंगे ब्रेन कहेंगे, ब्रेन के अंदर कौन से कॉग्निटिव फंक्शन चल रहे थे। सेकंड कैटेगरी क्या है, इमेजेस देख सकते हैं हम ब्रेन की, ब्रेन इमेजिंग टेक्निक यूज़ करके। जैसे हमने बहुत सारी ब्रेन इमेजिंग टेक्निक बात करी हुई है पहले भी, fMRI होती है, PET स्कैन होता है, तो इस तरह की टेक्निक्स यूज़ करके हम ब्रेन इमेजिंग कर सकते हैं। इसमें हम ब्रेन किसी का खोल के नहीं देख सकते जो कि जिंदा है, पर उसकी ब्रेन इमेजिंग कर सकते हैं, एंड उससे क्या होगा, हमें ब्रेन की एक्टिविटीज़ का पता चल जाएगा। थर्ड टेक्निक क्या है, ड्यूरिंग नॉर्मल परफॉर्मेंस। द थर्ड टेक्निक इज फॉर ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन अबाउट सेरिब्रल, और अगर नॉर्मल परफॉर्मेंस करते टाइम हम उसकी ब्रेन इमेजिंग करते हैं जिससे हम उसकी कॉग्निटिव एक्टिविटी का पता कर सकते हैं। तो ब्रेन इमेजिंग की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ब्रेन इमेजिंग एक तो यहाँ पे जहाँ पे किसी को कॉग्निटिव डेफिसिट है, ये वर्ड समझ लो क्या फ़र्क है। कॉग्निटिव डेफिसिट का मतलब कोई एक पर्टिकुलर फंक्शन में प्रॉब्लम है, जैसे मेमोरी में किसी के प्रॉब्लम है, जैसे किसी को अल्जाइमर की प्रॉब्लम है, मतलब उसकी मेमोरी के कुछ फंक्शन में प्रॉब्लम है, तो उसकी ब्रेन इमेजिंग करके देखेंगे कि क्यों है ऐसा। या फिर नॉर्मल जो पर्सन है, जैसे नॉर्मल आप और मैं पर्सन है जिसको कोई प्रॉब्लम ना हो, तो उसकी भी ब्रेन इमेजिंग करेंगे कि एक नॉर्मल में और एक ऐसे पर्सन में क्या फ़र्क होगा जो दोनों में डेफिसिट हो और एक नॉर्मल हो। तो साइकोबायोलॉजिकल का मतलब ये है कि आपके ब्रेन के फंक्शन से आपकी कॉग्निटिव फंक्शन का क्या रिलेशन है। उसके बाद आता है सेल्फ रिपोर्ट मेजर, इसके अंदर केस स्टडीज भी हैं, नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन भी हैं। अब इंडिविजुअल एक्सपेरिमेंट और साइकोबायोलॉजिकल स्टडी जो हमने अभी तक पढ़ी है वो स्पेसिफिक और डिस्क्रीट कॉग्निशन के ऊपर ज़्यादा फोकस करती है, लेकिन अगर हमें किसी के एक्सपीरियंसेस सुनने हैं, किसी के अपने खुद के सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस सुनने हैं, तो उस केस में हम सेल्फ रिपोर्ट का यूज़ करते हैं। सेल्फ रिपोर्ट का मतलब है कि वो खुद जो पार्टिसिपेंट है वो खुद अपने बारे में बताएगा। इस सेल्फ रिपोर्ट में इंटरव्यू क्वेश्चनेयर दोनों चीज़ें आ जाती हैं, आप उनसे इंटरव्यू लेके भी पूछ सकते हो, क्वेश्चनेयर भरवा के भी लिखवा सकते हो। केस स्टडी का मतलब है कि आप इन डेप्थ मतलब बहुत डीप में स्टडी कर रहे हो किसी की, तो उसको केस स्टडी हो गया। नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन मतलब आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हो लेकिन लैब में बुला के नहीं कर रहे हो, उसकी एवरीडे सिचुएशन में, नेचुरलिस्टिक है ना तो नेचुरल सिचुएशन में, वो जैसे सुबह उठ के ऑफिस जाता है, काम करता है, तो वो जो जो कर रहा है उसको वैसे ऑब्जर्व कर रहे हो, उसमें उसको लैब में बुलाने की ज़रूरत नहीं है। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च से सबसे अच्छा क्या होता है कि उससे हमारा हाइपोथेसिस टेस्ट हो जाता है, लेकिन अगर हमें क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन चाहिए, क्वालिटेटिव मतलब डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन चाहिए, तो उस केस में हम ये वाले यूज़ करते हैं, सेल्फ रिपोर्ट, केस स्टडी, नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन, ये हमें डिस्क्रिप्टिव डेटा देती है, डिस्क्रिप्टिव। फिर उसके बाद आते हैं कंप्यूटर सिमुलेशन में, कंप्यूटर सिमुलेशन एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब कि यहाँ पे कंप्यूटर्स का यूज़ हो रहा है, और सिमुलेशन मतलब एक तरीके से वो एक नकली एनवायरनमेंट जो बनाते हैं, जैसे वर्चुअल गेम्स में हमने देखा है, तो उसमें फिर लोगों को ऐसे सिमुलेटेड एनवायरनमेंट में देखा जाता है कि कैसे बिहेव कर रहा है कोई, वो किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, तो वो सिमुलेशन में हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वो जो सारा कंप्यूटर से बना होता है वो सारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही होता है एक्चुअली में। कई लोगों ने तो यहाँ लिखा हुआ है कि कंप्यूटर के हेल्प से पूरा ही ह्यूमन माइंड का कॉग्निटिव आर्किटेक्चर भी बनाने की कोशिश करी है। आगे फिर ये तो यहाँ पे ख़त्म हो गया। उसके बाद कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट ऑफन ब्रॉडन एंड डीपन देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉग्निशन थ्रू रिसर्च इन कॉग्निटिव साइंस।
कॉग्निटिव साइंस क्या है? इट इज अ क्रॉस डिसिप्लिनरी फील्ड दैट यूजेज आइडियाज एंड मेथड्स फ्रॉम कॉग्निटिव साइकोलॉजी, साइको बायोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फिलोसफी, लिंग्विस्टिक, एंथ्रोपोलॉजी। कॉग्निटिव साइंस मतलब इन सारी चीज़ों से मिला के उसमें सारी चीज़ें पढ़ी जाती हैं, ढूंढ ढूंढ के आइडियाज़, और उन सारे आइडियाज़ को ह्यूमंस और उनकी नॉलेज को समझने के लिए किया जाता है। तो ये हमारे ख़त्म हो गए ऊपर रिसर्च के गोल्स और उसके मेथड। अब यहाँ से नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे डोमेन्स ऑफ कॉग्निटिव साइकोलॉजी, मतलब अगर आप कॉग्निटिव साइकोलॉजी पढ़ते हो तो उसमें हम क्या क्या चीज़ें पढ़ते हैं, ये सारी चीज़ें जो आपको यहाँ दिख रही हैं, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।